वेलकम बैक टू कम्युनिटी न्यूज़। मैं हूँ आप लोग की दोस्त रीमा एंड आज का मेरा वीडियो है अगेन पर्पल हॉल पे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्पल हॉल पे एक और वीडियो, लेकिन इस बार मैं जो प्रोडक्ट्स ला रही हूँ वो मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है। मैंने परचेज किए हैं पर्पल से कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स और सारे प्रोडक्ट्स मेरे गुड वाइब्स के हैं, तो वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। उसका एक भी प्रोडक्ट मैं अभी तक यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है कि थोड़ा सा मैं भी अब इस बार एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ कि ये गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स मेरी स्किन के साथ जाते हैं या नहीं जाते, मेरी स्किन को सूट करते हैं या नहीं करते। तो गाइस अभी तक आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास ये बॉक्सेस हैं जो मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किए हैं। ये मेरे पास अराउंड मतलब मेरे पास ये इन्हें आए हुए 1 मंथ हो गया है, ये 1 मंथ से पड़े हुए थे। मुझे अभी टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने इन्हें ओपन भी नहीं कराए। गाइस मैं इन्हें आपके साथ ही ओपन करने वाली हूँ एंड साथ के साथ ही इसका रिव्यू तो मैं नहीं दूंगी अभी, क्योंकि इन्हें मैंने यूज़ नहीं किया है। हाँ, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट डिटेल दे सकती हूँ आपको, प्रोडक्ट रिव्यू दे सकती हूँ कि कैसे पैकेजिंग है, किस तरह का दिखता है, कैसा टेक्सचर है, लेकिन यूज़ आफ्टर रिव्यू मैं अभी नहीं दूंगी क्योंकि मैंने नहीं यूज़ ही नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं हमारा, तो फ्रेंड्स चलिए अब ओपन करते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट बॉक्स, देखते हैं इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ओपन करने वाली हूँ इस बॉक्स को, इस पे देखते हैं क्या है, इसकी पैकेजिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा गुड वाइब्स का ग्रीन टी ब्लेमिश कंट्रोल स्क्रब। ये मैंने मंगवाया है ऑनलाइन और इसका प्राइस है 195। एंड गाइज अगर मैं बात करूँ इसकी पैकेजिंग तो क्यूट लग रही है क्योंकि इसका गोल्डन कलर का कैप है एंड प्लास्टिक ये बॉक्स है प्लास्टिक। एंड गाइज इसको देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। सो इसके अंदर भी लगी हुई है एक और लिड एंड दिस इज ये है हमारा स्क्रब, ग्रीन टी स्क्रब। खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, लाइक ग्रीन टी है तो ग्रीन टी की तो खुशबू नहीं है इसमें, बट यस एक बहुत माइल्ड सी स्मेल है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ स्मेल तो कर रहा है, कुछ जानी बेजानी स्मेल है बट। सो गाइज हमने क्या कहती है इस प्रोडक्ट के बारे में वो डिस्कस करते हैं। इट्स अ जेंटल एक्सफोलिएटर दैट एलिमिनेट एक्ने एंड ब्लैक हेड्स ड्यू टू एन एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। It also reduces the production of sebum that helps treat damage of your oily skin, जो आपकी oily skin को damage करता है। And guys, it's and highly recommended for oily skin. ये specially oily skin के लिए है, but I have a dry plus sensitive skin. तो मुझे नहीं पता ये मेरी स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा, बट आई विल ट्राई दिस। मैंने जब इसे मंगवा लिया है तो मैं इसको ट्राई जरूर करने वाली हूँ। अब हम देखते हैं इसका सेकंड प्रोडक्ट गुड वाइब्स का क्या है। तो अब उसके लिए हमें अनबॉक्स करना होगा हमारा दूसरा बॉक्स, जो मैंने वो भी अभी ओपन नहीं किया है, मैं वो भी आप लोग के साथ ही ओपन करना चाहती थी। तो गाइज वो है ये हमारा सेकेंड बॉक्स, इसको भी हम ना ओपन करेंगे। एंड गाइज अगर आप लोग को लग रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अभी मंगवाए हैं तो सॉरी, मुझे इन्हें मंगवाया हुआ अराउंड 1 मंथ हो गया है, बट मैं इनको एनी हाउ मैं इनका वीडियो नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने इनको ओपन भी नहीं किया है। बट गाइज अभी आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ना मंगवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज मैक्सिमम कंपनीज हमारी आउट ऑफ इंडिया की होती हैं, बाहर की कंपनीज होती हैं, एंड आप लोग को पता है अभी कोरोना वायरस कितना ज़्यादा फैला हुआ है। तो बेटर है कि हम अपनी सेल्फ केयर खुद करें। एंड गाइज लाइक दिस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को, या अभी जैसे कि है क्या ना, एक्चुअली हम अभी ये सोच रहे हैं कि बाहर मार्केट के तो प्रोडक्ट्स नहीं लेने, कोई बात नहीं ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। बट गाइज सबसे ज़्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट्स से हमें दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ प्लीज़ जब तक ये कोरोना वायरस का इशू है मैनेज योर सेल्फ, कुछ किसी तरह करके मैनेज कर लीजिए, लेकिन अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मत मंगवाइए। मेरा एक ये दो बॉक्सेस जो मैंने 1 मंथ पहले मंगवाए थे, एक मेरा
प्रोडक्ट बॉक्स और है, वो है मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स का, वो मैंने मंगवाया था अमेजोन से, वो मेरा और पड़ा हुआ है। तो गाइज वो मुझे आप लोगों के साथ उसका भी मुझे आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करना है, तो इसलिए मैंने उसे भी अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है। एंड गाइज वो भी मेरा 1 month पहले ही आ चुका है, तो वो भी मैंने अभी नहीं मंगवाया है। मैं अब कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट अभी फिलहाल जब तक कोरोना वायरस है नहीं मंगवाऊंगी। तो गाइस कोरोना से बचना है तो थोड़ा सा डरो ना, सिर्फ ऐसे नहीं डरना, जस्ट आपको सेल्फ, आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, आपको अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और आप बहुत इजी वे में बिना डरे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, लाइक ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मत मंगवाइए गाइस, बिकॉज 10 लोगों के हाथ से होके हम तक आता है तो वी डोंट नो अबाउट द पर्सन जो इसे टच कर रहा है। ओके गाइस, तो गाइस अब चलिए देख लेते हैं, हो गया बहुत कोरोना के ऊपर। फर्स्ट प्लेस में है मेरा बिल, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। गाइज मैं आपको बताऊँ ना, मैंने पर्पल से सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, बट मुझे ये ऑल, आपको पता है वैसे भी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत कम रेंज के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उनके प्रोडक्ट्स 200-300 में आपके अराउंड सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। मुझे ये 50% के डिस्काउंट पे मिला है, मुझे सारे ही प्रोडक्ट्स मुझे 50% के डिस्काउंट पे मिले हैं। यस, मुझे ऑल प्रोडक्ट्स पे, मुझे सारे प्रोडक्ट्स पे 50% का डिस्काउंट मिला है। बट ये हाँ, मुझे कोई ऐसा ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मुझे गुड वाइब्स की तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, मुझे डिस्काउंट मिला है पर्पल की साइड से, बिकॉज आई एम अ मेंबर ऑफ पर्पल एलाइट मेंबर। इसकी पैकिंग बहुत सॉलिड होती है, बहुत अच्छे से पैक करके देते हैं कि कहीं से कहीं तक कुछ डैमेज ना हो, ये चीज बहुत अच्छी है। बोलती हूँ ना, क्या करें, थोड़ा सा आपको ब्रश करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ये गुड वाइब्स का लिप बाम, स्ट्रॉबेरी लिप बाम। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लिप बाम को लेके ना बहुत यूज्ड टू हूँ, मुझे विदाउट लिप बाम के मैं सर्वाइव नहीं कर सकती, मेरी लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं एंड अगर मैं कोई भी लिपस्टिक लगाऊँ तो वो बहुत क्रैकी एंड बहुत ड्राई हो जाती है, तो मुझे इसलिए लिप बाम हमेशा चाहिए होता है। एंड मैं अभी तक आप लोग को पता है, मैं वीडियोस भी डाल चुकी हूँ कि मैं ज़्यादातर निविया का ही लिप बाम यूज़ करती हूँ और करती आ रही हूँ, क्योंकि वो मेरी स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज करता है और सॉफ्ट कर देता है। बट मैं इसका गुड वाइब्स का ट्राई करना चाह रही थी कि कैसा है इसका लिप बाम, स्ट्रॉबेरी। वाओ गाइस, मैंने इसे अनपैक किया है और स्ट्रॉबेरी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मन कर रहा है मैं इसे खा जाऊँ। लगा तो बात की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा फेवरेट होने वाला है, बिकॉज इसकी खुशबू ऑसम गाइस, बहुत अच्छी है। बट यस गाइस, बहुत अच्छी खुशबू है एंड क्यूट सा स्मॉल सा है एंड बहुत प्यारा लग रहा है, आपका बहुत हैंडी है कि आप अपने बैग में इसे कैरी कर सकते हो। एंड गाइस प्लास्टिक बॉटल में है ये, इसका प्राइस है 125 एंड मुझे ये अराउंड कितने का पड़ा, 50% के डिस्काउंट पे कितने का पड़ा, आई थिंक ये मुझे पड़ा अराउंड 62 रुपीज़। तो सोचिए 62 रुपीज़ का लिप बाम गुड वाइब्स का कितना अच्छा है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट अनदर प्रोडक्ट, अब हम दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो है हमारा ये, हाँ ये मैंने एक प्रोडक्ट अलग से मंगवाया है एल्प्स का, ये है एल्प्स गुडनेस चारकोल डिटॉक्सिफाइंग फेस मास्क। तो ये फेस मास्क मैंने मंगवाया है, ये फेस मास्क ऐसा है जो इस तरह से नहीं उतरने वाला, इसकी लेयर नहीं उतरने वाली, इसको वॉश करके आपको, ये वॉश करके आप इसे हटा सकते हैं। सो गाइज इसकी अगर मैं बात करूँ पैकेजिंग, आप देख लीजिए ये इस टाइप के पैकेज में आता है, इस टाइप की पैकेजिंग में, तो इस तरह से ये आता है। एंड गाइस अगर मैं बात करूं इसके पैकेजिंग की, तो यार इतना पैक क्यों करके रखते हैं यार, ओपन करने में तो भाई बैंड बच जाती है हमारी। ठीक है, एट लीस्ट वी डिड नॉट गेट
यूज्ड प्रोडक्ट्स, इस तरह से हमें पता चलता है कि हम कोई भी यूज्ड प्रोडक्ट्स नहीं हमें मिल रहा है। गॉड, एक तो इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि ना बाहर आ रहे हैं प्रोडक्ट्स। मैं आपको दिखाती हूँ इंटरनली कैसा है। सी, इसका प्राइस है 99 रुपीज, 100 रुपीज, तो ये मुझे पड़ा है 50 रुपीज का। वाह यार, नॉट अ बैड। देखते हैं गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल। एक्चुअली मेरे पास अभी तक कोई फेशियल ऑयल नहीं था और मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कोई और ट्राई करने से पहले या किसी और ब्रांड में जाने से पहले गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल ट्राई किया जाए, तो दैट्स व्हाई मैंने इसे मंगवाया है। ये है गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल विद गोल्ड लीव्स, एंड इसकी क्वांटिटी है 10 ml, एंड इसका प्राइस है 295, अराउंड 300। तो मुझे कितने का पड़ा? अराउंड 150 का। तो गाइज, काफी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको पर्पल में मिल जाता है, या तो कोई ना कोई सेल चल रही होती है या कोई ना कोई ऑफर चल रहा होता है, टेस्ट कर लीजिए। ठीक है गाइज, इसमें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं अर्गन ऑयल, अर्गन ऑयल, गोल्ड लीफ, विच हेजल, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, तो काफी सारे विटामिन से ये बना हुआ है। एंड माई स्किन वॉन्ट लॉट्स ऑफ विटामिन बिकॉज आई हैव अ ड्राई प्लस सेंसिटिव स्किन, तो आई नीड मोर। तो सबसे पहले ये है इसका एप्लीकेटर से लगाने के लिए, ये हमारे पास आता है एक ड्रॉपर के साथ। एंड गाइज, ये है बॉटल, सी, अ क्यूट ब्यूटिफुल बॉटल। इसकी स्मेल देखें, स्मेल कैसी है? मैं कितना भी कोशिश कर लूं मेरा वीडियो लंबा ही हो जाता है, पता नहीं क्यों, शायद मुझे बहुत ज्यादा बोलने की हैबिट है इसलिए। तो देयर इज नो स्मेल, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, किसी भी चीज की कोई स्मेल नहीं है, विदाउट फ्रेग्रेंस है ये। नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर प्रोडक्ट। ये है गुड वाइब्स का विटामिन सी फेस सीरम। मैंने अभी इससे पहले वीडियो पे आप लोगों के साथ, मैंने अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था विटामिन सी आप घर पे कैसे बना सकते हैं। एंड नाउ मैंने ऑर्डर किया है ये गुड वाइब्स का, मैंने मंगवाया है ऑनलाइन ये गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन ई फेस सीरम। एक्चुअली मैं दोनों का ही दोनों को यूज़ करके, क्योंकि मैं जो मैंने घर पे सीरम बनाया उसे मैंने यूज़ कर वो मैं यूज़ कर रही हूँ, बट मैं इसे यूज़ करके देखना चाहती हूँ कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा जाता है स्किन पे। तो गाइज, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट लिया है ताकि मैं दोनों का रिव्यू करके आपको बता सकूं कि कौन सा आपके लिए ज्यादा अच्छा है, गुड वाइब्स का प्रोडक्ट, गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम, या फिर घर पे बना हुआ विटामिन सी सीरम। सो गाइज, अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो प्राइस है इसका 225। एंड ये है ग्रीन टी का टोनर जो मेरे पास आया है। सो गाइज, ये है ग्रीन टी का टोनर जो मैंने मंगवाया है, नो अल्कोहल, नो पैराबेंस, नो सल्फेट और क्रुएल्टी फ्री। तो गाइज, क्रुएल्टी फ्री है तो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट, बिकॉज जानवरों के साथ जो चीज़ें होती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वही ग्रीन टी है तो पैक्ड विद एंटी ऑक्सीडेंट दैट हील्स स्कार्स एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन फॉर आर क्लियर स्किन, इट इम्प्रूव्स द स्किन इलास्टिसिटी फॉर आर यूथफुल लुक। Crafted with passion, skills, fresh ingredients and skin appreciate to refresh your skin and enhance it looks. After all, it or in life, all you even need is love growing. How to use? Take some amount of good vibes, green tea toner on a cotton pad. How to use? तो इसका use कैसे करना है वो है कि take some amount of good vibes, green tea toner on a cotton pad. Cotton pad पे हमें green tea का toner लेना है and dab it on your face and neck. It ट्वाइसली अ डे, तो दिन में दो बार आपको यूज़ करना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। बट इसमें यार अगर स्प्रे है तो मैं इसे स्प्रे क्यों ना करूँ, मैं कॉटन से क्यों यूज़ करूँ? चलो देखते हैं, जो ऐसा लिखा था एक बार वो भी यूज़ करके देखेंगे, कॉटन से भी लगा के देखेंगे एंड स्प्रे करके भी देखते हैं कि दोनों में से कौन सा इसका बेस्ट रिजल्ट, दोनों में से किस तरह से ज़्यादा अच्छे से काम करता है, स्प्रे करके या फिर कॉटन से लगा के। ओके गाइज, सो गाइज मैंने मंगवाया है गुड वाइब्स का एलोवेरा सनस्क्रीन लोशन एंड इसका SPF है 50+। एंड गाइज, अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है एलोवेरा कितना यूजफुल होता है, एंड आई हैव अ ड्राई स्किन, तो मैं अभी चाहती हूँ कि एलोवेरा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है हमारे स्किन पे, तो मैं अभी चाहती हूँ कि समर्स है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा एंड ऑयली ऑयली ना लगे फेस, हालांकि ड्राई है बट फिर भी ऐसा सनस्क्रीन चाहिए था जो मेरे फेस पे लगने के बाद
फेस पे वो चिपचिपाहट ना रहे, मतलब गर्मी में हो जाती है ना थोड़ा सा मॉइस्चर की वजह से, तो वो चीज़ ना हो। तो इसके लिए मैंने इस बार इसे ट्राई किया है एंड मैं इसका भी रिव्यू आपको आगे वीडियो किसी और वीडियो में दूंगी, बिकॉज अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ सब मंगवाया। मैं आपके साथ साथ सामने ही आपकी इसे ओपन करके आपको दिखा रही हूँ, तो जितना आपको नहीं पता इस प्रोडक्ट के बारे में उतना मुझे भी नहीं पता, जस्ट मुझे जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे मंगवाया है एंड यूज़ करके मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। इसका प्राइस देखते हैं, इसका प्राइस है 2250। तो गाइज मैंने दो और प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। गाइज एक्चुअली मैं पागल हो गई हूँ, मैंने सनस्क्रीन दो मंगवा ली, फिर मैंने सनस्क्रीन और मंगवाई हुई रखी हुई है मेरे पास, फिर मैंने सनस्क्रीन और मंगवा के रखी है वाओ की, मैं वाओ की भी ट्राई करना चाहती थी तो मैंने वो भी मंगवा रखी है। तो गाइज मैं तो पागल हो गई हूँ, एक दो तीन चार सनस्क्रीन मैंने एक साथ ऑर्डर कर दी थी और ध्यान भी नहीं रहा, एक्चुअली से बताऊँ ध्यान ही नहीं रहा। तो गाइस ये अगेन अगेन है गुड वाइब्स का सनस्क्रीन लोशन एंड ये है अगेन वही 50+ का, एंड ये किस में है, इसके अंदर सारी चीजें हैं, ये एलोवेरा भी है, ग्रीन टी भी है, ककम्बर भी है, जजोबा भी है, सभी चीजें हैं इसके अंदर। तो गाइज ये मुझे ये 300 का एंड मुझे बढ़ा है ये 150 का, तो ये भी मैंने ऑर्डर किया बिकॉज समर्स हैं, तो समर्स में तो आपका सनस्क्रीन खत्म हो ही जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको भी ऑर्डर किया है। मैं वैसे भी यूज करके देखना चाहती थी गाइज, सनस्क्रीन लोशंस की भी और सनस्क्रीन क्रीम्स की भी बहुत रेंज कम है, बिकॉज जो मैं यूज कर रही हूँ लोटस का आई थिंक वो है अराउंड 600 अप्रॉक्स, मुझे ठीक से याद नहीं है बट इतना ही होगा, एंड इससे भी ज्यादा कॉस्टली सनस्क्रीन लोशंस आते हैं, क्रीम्स आती हैं। सो गाइस लास्ट प्रोडक्ट है हमारा ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। ये पील ऑफ मास्क आपके हेयर की, एक्चुअली मैंने इसका रिव्यू देखा था, बहुत बढ़िया धांसू रिव्यू था कि ये आपके फेस पे लगने के बाद आपके फेस के जो हेयर्स होते हैं उन्हें भी रिमूव कर देता है और एक क्लियर बहुत टोन स्किन आपके सामने आती है आफ्टर यूजिंग दिस फेस मास्क पील मास्क। तो गाइस काफ़ी अच्छा रिव्यू मैंने इसका पढ़ा है तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। ये देखिए इसके यहाँ पर पैकेजिंग, इसका प्राइस है 249 एंड ये भी मुझे 50% डिस्काउंट पे मिला था, तो मुझे इसका भी ये मुझे कितने का पड़ा आप कैलकुलेट कर लेना। फ्रेंड्स मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो चीज़ें खरीदनी खरीद सकते हैं।